बहन खूबसूरती का मिसाल है, आपकी बहन भी आपसे कमी है। जब आपको दूध व खाना दूध गौतम दीद के साथ कैसा लगा आप लोगों को गौतम दीद से कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, है और बहुत लाइक वाइब अच्छी आती है, दोस्ती वाली अच्छी वाली, तो बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करने में। तो आपको शो करते हैं क्या ऐसे सैड सॉन्ग बेसिकली शोर में सैड सॉन्ग से रोमांटिक सैड सॉन्ग, तो जैसे किस तरह से जो एक्ट्रेस होती है जो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रही हूँ वो तो किस तरह से पोजेस्ट हो जाती है और उनके बीच में दुनिया आ जाती है, बेसिकली लग रहा है प्यार में धोखा वाले कुछ ऐसा के दूरियाँ हमारे धोखा नहीं है बट वो कुछ मैं कोशिश चलाती हूँ। तो देखा जाए आप तो शो कर ही रही हो, आपको कभी नया कोई वेब सीरीज इसके अलावा करने वाली हूँ उसके बारे में बताऊँगी। जैसे कि आप बोल रहे थे जैसे बिग बॉस की बात कर रहे हैं, आप कर भी गए बिग बॉस में, इस बार अगर हो रहे 17 तो क्या इस बार सवाल कुछ और करेंगे? खतरों खिलाड़ी की गए तो महफिल में जान लगे कि सब प्रकार खुल जाए तो हम एक जानना चाहते हैं कि आप दोनों बहन की कभी साथ में देख पाएंगे? हम साथ में काम भी करेंगे। एक लास्ट की सवाल आपकी थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो रवि भाई, हेलो माता जी, कैसे आप? हेलो रवि भाई, जय माता दी, कैसे आप? गुड गुड गुड। आइए इधर रवि, सभा के हर एक सॉन्ग के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि जब भी सॉन्ग आता है ये बहुत ज़्यादा खुश रहती है और इसकी खुशी में हम सारे दोस्तों की खुशी है। ये दूरियाँ है, थोड़ा सा सैड वर्जन है बट सभा एज यूजल सॉन्ग में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इन जनरल बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आई थिंक सभा को जब से मैंने जाना है शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, अगर वो एक्टिंग में और ज़्यादा पुश करेगी तो आई गेस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो ये ग्रैब करके धमाल कर सकते हैं। सो आई गेस ओवरऑल जितना मैंने सॉन्ग में देखा मुझे कहते ना हमारा दोस्त ज़्यादा देखने के लिए अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे देखना है, हमें देखना है फैजल को बिग बॉस के अंदर। आई कीप टेलिंग हिम गो टू बिग बॉस एंड आई एम श्योर लाइक ट्रस्ट मी ही इज गोइंग टू डू बिग बॉस फॉर श्योर। पक्का लेट्स सी, सभा बोल रही है तो शायद करना पड़ेगा। लेकिन फैजल भाई की तो एब्सोल्युटली बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे शोज में रियलिटी शोज में मेंटोर का काम करते हैं, वो भी अच्छी तरीके से निभाते हैं। बस इस वक्त पर मेरा पूरा फोकस वो एक्टिंग की तरफ है तो मैं मतलब मेंटोर की तरफ नहीं जाना चाह रहा फिलहाल के लिए, बट मे बी अगर फ्यूचर में मुझे समझ आई तो डेफिनेटली मैं करूँगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट ईद के वक्त मैं अपने घर पर था, सभा भी यहाँ पर नहीं थी, अदरवाइज हम साथ में मूवी डेट पर चले जाते, लेकिन बाद में चले जाएंगे सब। कल मैं वेट कर रहा था कि सभा का सॉन्ग का एक बार लॉन्च हो जाए अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं देखने जाऊँगा बाकी जगह।